सो हे गाइज, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि बच्चे को हम मल्टन कैसे लगाएं, यानी कि बच्चे की मालिश कैसे करें, तो मुझे उस पर काफी रिक्वेस्ट आई थी और काफी लोगों ने मुझे बोला था कि आप हमें बच्चे पे जब हम मालिश करते हैं, ऑयल से मालिश करते हैं, तो वो करना सिखाएं। तो मुझे लगा कि ये वीडियो भी बनानी चाहिए, तो आज मैं वही वीडियो लेके आई हूँ। अपने जो हमारे घर में बाबू है उस पर आज मैं ऑयल से मसाज करके बताऊंगी कि किस तरीके से आपको बेबी की मसाज करनी चाहिए। तो चलो ज्यादा इंट्रो को नहीं खींचते हैं, सीधा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे आप लोगों ने बच्चों की मसाज करनी है। तो गाइस, यहाँ पे हमने अपने बाबू को रख लिया है मालिश करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी आप बेबी को ऑयल करते हैं तो आप लोगों को ऑयल लेना है। कोई भी ऑयल आप लोग ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, या फिर ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, या फिर आप लोग मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया हुआ है। हम मतलब ये हमारा पहले से ही चलता आ रहा है कि बच्चों को सरसों के तेल से ही मालिश करनी चाहिए, तो हमने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं ऑयल को अपने फिंगर पे ले लूंगी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है और ये देखो, सबसे पहले जब भी हम बच्चों को मालिश करते हैं तो हमें बच्चों के यहाँ पे तेल रखना चाहिए। यहाँ पे बोला जाता है तलवी, और यहाँ पे इसलिए तेल रखते हैं क्योंकि बच्चों का जो यहाँ पे ये पोषण है ये बहुत ही ज्यादा हल्का रहता है। और ये बोला जाता है कि अगर हम यहाँ पे बच्चों के तेल रखें तो बच्ची के शरीर में जो मतलब गर्मी है वो भी बनी रहती है, साथ ही साथ उनका ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे तेल रखना है, सो मैंने रख लिया है। सो उसके बाद गाइस, जो हमारे हाथ पे ऑयल रहता है उस ऑयल को हमने बेबी के फेस पे लगाना है, हल्के हाथों से लगाना है, ज्यादा मतलब एकदम से पुशअप नहीं करना है ताकि बच्चे को पेन ना हो। तो कुछ इस तरीके से करेंगे हम, आप लोग देखिए। सो गाइस, जब भी आप बेबी को ऑयल लगाएं तो तेल आप लोग को ऐसे लगाना है जिससे बेबी आपका जो है वो एंजॉय करे, बिल्कुल भी रोए ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम अपने बेबी को ऑयल लगा रहे हैं। तो जब हम ऑयल उसके फेस पे लगाते हैं तो हमने उसके नोज पे कुछ इस तरीके से मसाज करनी है। उसके बाद आप लोगों ने हल्के हाथों से इस तरीके से दबाना है ताकि जो हमारा बेबी का नोज है वो थोड़ा ज्यादा चौड़ा ना हो जाए। तो कुछ इस तरीके से दबाना है और ऐसे उनके फेस पे मसाज करनी है, हल्के उनके यहाँ पे फोरहेड पे भी आप लोगों ने मसाज करनी है कुछ इस तरीके से। हल्के से मसाज हमने बेबी के यहाँ चिन पे करनी है ताकि जो बेबी का चिन है वो ऐसे ऊपर को ना हो, सही से रहे। तो हल्के हाथों से हमने ऐसे मसाज करना है। यहाँ पे गाइस, मैं आपको एक चीज बताना भूल गई कि अगर आप लोग गर्मियों में अपने बेबी पे ऑयल लगा रहे हैं तो आप लोग उसे ठंडा ही लगाएं, लेकिन अगर आप विंटर में अपने बेबी पे ऑयल लगा रहे हैं तो आपको ऑयल हल्का सा गुनगुना करना है। सो हमारे बेबी का फेस का जो है हमने उस पर ऑयल कर ली है, मसाज हो चुकी है। उसके बाद गाइस, अब बारी आती है बेबी के चेस्ट पे। तो ये मैंने ऑयल अपने हैंड पे लिया हुआ है। इस तरीके से गाइस हमने बेबी के पूरे चेस्ट पे अच्छे से लगाना है और हल्के हाथों से लगाना, कुछ ये देखिए आप लोग, कुछ इस तरीके से करना है गाइस। हल्का सा ऑयल गाइस आप लोगों ने बेबी के नेवल पे यानी कि नाभि पे रख देना है। नाभि पे इसलिए रखना है ताकि बेबी को जो गैस की प्रॉब्लम हो जाती है वो ना हो। तो हल्का सा हमने नाभि पे रख देना है और कुछ इस तरीके से यहाँ पे मसाज करना है। कुछ इस तरीके से हमने बेबी के नाभि पे मसाज करना है। तो गाइज, इसके बाद हमने अब बेबी के यहाँ हैंड पे मसाज करना है। तो मसाज हमने ऐसे में नहीं करना है क्योंकि बेबी का यहाँ हमारा जो ब्लड होता है वो इस तरीके से सर्कुलेशन होता है, तो हमने अपोजिट करना है इसके। तो पहले हमें बेबी के फिंगर्स पे ऑयल लगाना है, वो इसी क्योंकि बेबी अपने हाथ बंद कर देता है, तो हमें ऑयल इसलिए लगाना चाहिए ताकि उनके जो हाथों के अंदर मॉइस्चर ना आ जाए, मतलब गीलापन ना आ जाए। तो इसलिए हमें उनके फिंगर पे अच्छे से ऑयल लगाना है। सो हम उनके फिंगर में अच्छे से ऑयल लगाएंगे। उसके बाद हमने कुछ इस तरीके से मसाज करनी है। Thank you.
अब बारी आती है बेबी के लेग की। तो सबसे पहले हमने बेबी बेबी के जो पांव हैं, पांव के तलवों पे ऑयल लगाना है। ऑयल हमने पांव के तलवे पे इसलिए लगाना है ताकि बेबी की जो आंखें हैं वो सही रहें, यानी कि उनकी आंखों की रोशनी एकदम अच्छी तेज बनी रहे। क्योंकि आपको पता है आजकल तो सारे हर एक एज वालों को आंखों से जुड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसीलिए बेबी के नीचे जब भी आप यहां मसाज करते तलवों पे तो हल्का आपको कुछ इस तरीके से ऑयल लगाना है, कुछ इस तरीके से मसाज करना है। उसके बाद आपने बेबी के पूरे लेग पे अच्छे से ऑयल लगा लेना है। और फिर जो बेबी का ये पोर्शन है यानी कि जो घुटना है हड्डी, इसे हमने कुछ इस तरीके से मसाज करनी है। यहाँ पे इसलिए मसाज करनी है क्योंकि जब बेबी माँ के पेट में रहता है तो अपने पाँव को मोड़े मोड़ के रखता है, तो इसमें क्या होता है उनकी हड्डियों में दिक्कत आ जाती है और बच्चों को दर्द होता है। इस वजह से हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी अच्छे से मसाज करनी है, राउंड राउंड घुमाना है इस तरीके से और बेबी के यहाँ घुटनों पे मसाज करना है। फ्रंट साइड का पूरा जो हमने ऑयल मसाज करनी थी वो हो गई है। अब बेबी के बैक साइड हम ऑयल मसाज करेंगे। तो बेबी को हमने कुछ इस तरीके से उठाना है अपने हैंड पे। तो यहाँ पे हमने बेबी को उल्टा लेटा दिया है और थोड़ा सा ऑयल में और अपने हैंड पे लूंगी। पहले हमने बच्चे के जो ये हड्डी है रीढ़ की हड्डी, इस पे ऑयल लगाना है। तो पहले हम बेबी के पूरे यहाँ पीठ पे ऑयल लगा देंगे। उसके बाद हमने अपने फिंगर पे हल्का सा ऑयल लेना है, कुछ इस तरीके से जो बेबी की रीढ़ की हड्डी है कुछ इस तरीके से मसाज करनी है। बिल्कुल हल्के हाथों से करना है, एकदम जोर लगा के नहीं करना है। और जो बेबी के साथ ही साथ ये शोल्डर है उनको भी कुछ हमने इस तरीके से मसाज करनी है। साथ ही साथ गाइस हमने जो बेबी के हैंड है उनको कुछ इस तरीके से पीछे कर देना है और पीछे के साइड से भी मसाज करनी है अच्छे से। वही प्रोसेस गाइस हमने बेबी के लेग पे भी करना। तो यहाँ पे मैंने हल्का ऑयल ले लिया है और हल्के हाथों से मैं उसके लेग पे मालिश करूंगी। मालिश कर दी है, अब हम थोड़ी सी बेबी की एक्सरसाइज करेंगे जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हमने बेबी के लेग की एक्सरसाइज करेंगे। तो हम कुछ इस तरीके से पहले हमने बेबी के पाँव को सीधे करना है। देखिए आप लोग कुछ इस तरीके हल्के हाथों से करना है, ऐसा नहीं कि हमने बिल्कुल तेजी से की ताकि बेबी को पेन नहीं होना चाहिए। तो हल्के हाथों से हम बेबी के पाँव को पहले सीधा करेंगे, उसके बाद हमने बेबी के पाँव को कुछ इस तरीके से करना है, यानी कि बेबी को साइकिलिंग करानी है। वो इसीलिए कराना है गाइस कि अगर आपके बेबी को दूध डाइजेस्ट ना हो अच्छे से और बेबी को गैस की प्रॉब्लम हो जाए तो कुछ इस तरीके से आप लोगों ने बेबी को मसाज देना है। हमने बेबी के हैंड की भी एक्सरसाइज करवानी है। तो एक्सरसाइज हमने इसलिए कराए ताकि बेबी के जो हड्डियां हैं बोन्स है वो मजबूत रहें। तो कुछ इस तरीके से आपने अपने बेबी को एक्सरसाइज करवाना है। हमारा बेबी थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो रहा है, वो इसी वजह से क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे ठंड है और हमने यहाँ पे आप लोग इधर देख सकते हैं हमने यहाँ पे हीटर चलाया हुआ है और बेबी को थोड़ी सी मतलब ठंड लग रही है, इस वजह से बेबी थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा है। अदरवाइज हमारा बेबी आपने पिछली वीडियो में देखा हुआ ज्यादा परेशान नहीं करता है, बट थोड़ी सी ठंड की वजह से बेबी को दिक्कत हो रही है। तो अभी मैं बेबी की मालिश थोड़ा जल्दी करूंगी तो इसलिए मुझे थोड़ा वीडियो जल्दी फास्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से बेबी के हाथों को एक्सरसाइज करवानी है, हाथों की एक्सरसाइज करवानी है। उसके बाद हमने बेबी के लेग को कुछ इस तरीके से करना है ताकि जो उनके यहाँ पेट में जो गैस बन जाती है जो मतलब दूध अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वो सही हो जाए। तो कुछ इस तरीके से करना है।
यहाँ पे गाइज अब हमने बेबी के जो बाल हैं बालों पे ऑयल लगाना है, सो हम अब बालों पे बेबी के अच्छे से ऑयल लगा लेंगे। मसाज है, मालिश है, वो पूरी हो चुकी है। बस इसी तरीके से आपने बेबी की मालिश करनी है और आपने बेबी की कुछ इसी तरीके से मालिश करनी है। इससे आपका बेबी अच्छे से मालिश को एंजॉय करेगा और जो हमारे बेबी का ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बहुत अच्छे ढंग से होगा। आई होप गाइस कि आप लोगों को काफी पसंद आई होगी वीडियो और आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा कि आप लोग कैसे घर पे अपने बेबी की मालिश कर सकते हैं। मुझे वीडियो थोड़ा जल्दी खत्म करनी पड़ी क्योंकि आप लोग नॉइज सुन सकते हैं, हमारा बेबी रो रहा है क्योंकि जैसे मैंने बता दिया है कि विंटर है, यहाँ पे ठंड हो रही है और बच्चे को ठंड लग गई है, तो इस वजह से हमें मेरे को वीडियो यहीं पे अपनी एंड करनी पड़ेगी। सो बस दो तीन एक्सरसाइज और हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर मैं कोई वीडियो बनाऊंगी तो उसमें बता दूंगी, बट अभी मैं नहीं बता सकती क्योंकि हमारा बेबी को थोड़ा ठंड लग रही है, इस वजह से मुझे उसे कपड़े पहनाने पड़ेंगे। सो आई होप कि आप लोग को मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और वीडियो अच्छी हेल्पफुल लगी हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो गाइज मिलती हूँ आपको अपनी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर आप लोग की कोई रिक्वेस्ट या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी कि आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर दूं। तो चलो अब मिलती हूँ आपको अपनी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।